नमस्कार, मैं सुहाली जैन और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। गुजरात की नवरात्रि पूरे वर्ल्ड में फेमस है और वो किस लिए? क्योंकि यहाँ पर जो गरबा खेला जाता है और जिस परंपरा के साथ खेला जाता है वो देखने लायक होती है। जो यहाँ की सुंदरता है, जो यहाँ का ट्रेडिशन है, वो पूरी दुनिया में देखने लायक होता है। और वो किस लिए, हम आपको आज बताएंगे। आज हम आए हैं कुम्हारवाड़ा में और आप देख सकते हैं मेरे पास मौजूद हैं गरबे, जो नवरात्रि में काफी महत्व रखते हैं। ये जो गरबे हैं, ये मिट्टी के घड़े होते हैं छोटे छोटे, जिन्हें हम पूजा करते करने के लिए इसे पूरे गरबे के बीच में रखा जाता है। गरबा यानी नृत्य, जो आमतौर पर महिलाएं और पुरुष और बच्चे सभी मिलकर करते हैं। इस गरबे को बीच में, राउंड के बीच में रखा जाता है और इसमें दिया प्रज्वलित किया जाता है और माँ दुर्गा की आराधना की जाती है। माना जाता है कि ये जो गरबा है और ये जो दिया रखा जाता है इसके अंदर, वो पॉजिटिव एनर्जी देता है। और जो माँ की आराधना है, जो धार्मिक महत्व है, वो क्या क्या है, आज हम ये सब जानेंगे। मिट्टी का मटका माँ दुर्गा की शक्ति का प्रतीक है। यह स्थायित्व, शक्ति और समृद्धि को दर्शाता है। नवरात्रि के दौरान मटके का उपयोग माँ दुर्गा की शक्तियों का आह्वान करने के लिए किया जाता है। मटके के अंदर जलाया गया दीपक जीवन और आत्मा का प्रतीक माना जाता है। यह प्रकाश माँ दुर्गा की प्रति श्रद्धा और उनकी दिव्य शक्तियों का प्रतीक है। दीपक जलाने से अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है और ज्ञान का प्रकाश फैलता है। ये कुम्हार वाड़ा के दृश्य है। यहाँ पर जो गरबा है, जिसे गरबी या गरबो भी कहा जाता है, वो तैयार किए जा रहे हैं। ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर गुजरात की पारंपरिक गरबा को संजोया जाता है, उसे सजाया जाता है, जिससे कि नवरात्रि के वक्त लोग गरबा नृत्य करते हैं, उसमें गरबी की आराधना कर सके और इसे लेकर नृत्य कर सके। तो चलिए हम बात करते हैं कि इस गरबी को कैसे तैयार किया जाता है। भैया, आप ये गरबी कब से बना रहे हैं? पिछले छह सात साल से बना रहे हैं अभी। ये जो आप गरबी बनाते हैं, वो कौन कौन से आकार में रहती है, मतलब कितने बड़े होते हैं? उसमें छोटी साइज से मीडियम साइज आती है, बड़ी साइज आती है। उसमें क्या है, छह होल वाली आती है, 9 होल वाली आती है, 18 होल वाली आती है और 27 होल वाली आती है। इस हिसाब से छोटी बड़ी आती है होल के हिसाब से। अब ये यहीं पर ही बनाते हैं? नहीं, ये सब बाहर बनता है, अहमदाबाद बनता है, इधर हम लाके पेंटिंग करते हैं। ये जो यहाँ पे होल्स दिख रहे हैं इस गरबे में, इसका महत्व क्या है? होल का महत्व है, यानी जो गरबा अंदर जो दीपक रखते हैं, उसमें जो दीप की ज्योत प्रज्वलित होती है, वो सबके पॉजिटिव थिंकिंग पर बड़े ऐसा होता है उसमें। ये गरबा जो है मिट्टी का मटका है और इसका महत्व नवरात्रि में बहुत ज्यादा होता है, आध्यात्मिक और धार्मिक तरीके से। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ये जो इसमें आप देख सकते हैं, ये जो गरबा है इसमें छेद होते हैं, जिसका नवरात्रि में बहुत काफी महत्व होता है। और इसके बारे में हम जानेंगे। दीदी, आपका नाम क्या है? विजेता प्रजापति। आप कब से यहाँ पर हैं? हमारा बिजनेस ही है ये बनाना। ये जो ये गरबा में छेद होते हैं, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व ये होता है कि जैसे कि पूरा ब्रह्मांड में 27 नक्षत्र होते, तो मतलब ये माता जी का
दर्शाते हैं कि ये इसमें हम दिया रखते हैं, फिर इसकी परिक्रमा करते हैं। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमने पूरी 27 नक्षत्र की परिक्रमा की है। तो ये जो गरबा है इसमें जो होल्स होते हैं ये 27 हैं, और माना जाता है कि जब महिलाएं गरबा करती हैं और इसकी परिक्रमा लगाती हैं और ये जो है पॉजिटिव थिंकिंग आती है, और इसके साथ ही इसके सर पर रख कर भी इससे गरबा किया जाता है। तो नवरात्रि में जो प्रयोग किए जाते हैं, जिसका सबसे ज्यादा महत्व होता है, वो गरबा है। और यहाँ पे कुम्हारवाड़ा में ये गरबे बनाए जाते हैं और इसे डिजाइन किया जाता है। ये मिट्टी का घड़ा होता है जिसमें 27 छिद्र होते हैं, और इसे खूबसूरती के साथ सजाया जाता है क्योंकि इससे माँ की आराधना की जाती है, और इसे कई रंगों में सजाया जाता है। इसमें ऑरेंज, सफेद कलर, हरा कलर, पीला कलर, जिससे कि इसकी शोभा कई ज्यादा बढ़ जाती है। ये यहाँ पर सादा मटका यहाँ पर लाया जाता है, और फिर उसे पहले सफेद कलर से कलर किया जाता है, उसके बाद इसे लाल कलर के ऑयल पेंट से पेंट किया जाता है, और इसमें खूबसूरत आकृतियां बनाई जाती हैं। देखते हैं ये जो गरबे को डिजाइन किया जा रहा है, ये महिलाओं के द्वारा किया जाता है, क्योंकि जो महिलाएं हैं उनमें क्रिएटिविटी इतनी होती है कि सिंपल सा जो घड़ा होता है उसे इतना खूबसूरत वो डिजाइन कर लेती हैं। पूरी वडोदरा में नवरात्रि की धूम है, जगह जगह गरबे की तैयारियां की जा रही हैं, और मार्केट भी सज चुके हैं। आपने देखे होंगे आते जाते हर कहीं चनिया चोली की दुकानें, और आपको जो ऑर्नामेंट्स की दुकानें हैं वो देखने मिली होगी, और साथ ही एक खास दुकान देखने मिली होगी, वो है इन खूबसूरत मटकों की दुकान। यहाँ पर इन्हें गरबी गरबों के नाम से जाना जाता है, और ये जो गरबी है ये माँ की आराधना के लिए उपयोग की जाती है। और इसका महत्व क्या है, चलिए आपको बताते हैं। भैया आपका नाम? राकेश प्रजापति। ये गरबी का महत्व क्या होता है नवरात्रि में? हम एक मटकी में 27 होल करते हैं। 27 होल, एक लाइन में 9 होता है, नीचे की लाइन में 3 होता है, इसके साथ 27 होते हैं। 27 का अपने नक्षत्र भी 27 होते हैं, अपने चरण 4 होते हैं, समझो। तो 27 और 4 इंटू करेंगे तो 108 होगा। तो गरबी का महत्व ऐसा है कि गरबे घूमने से मतलब में ब्रह्मांड की जो प्रदीक्षिणा है ऐसा अपने को पुण्य मिलता है, इसके हिसाब से गरबे का ज्यादा महत्व रहता है। जो गुजरात की परंपरा है वो भूलते जा रहे कहीं ना कहीं, तो आपको क्या लगता है ये जो युवा है उन तक पहुंचना चाहिए? हाँ, ये युवा तक तो पहुंचना ही चाहिए, ये परंपरा ही अपने। गरबा के मटके बिना गरबा पूरा अधूरा है, मेरी बात सुनो। इसमें ये ब्रह्मांड का ही प्रतीक रहता है, और उनके बिना गरबा महत्व नहीं है। और मैं युवाओं को भी बोलता हूँ कि ये मटकी के बिना गरबा नहीं हो सकता। आपने देखा होगा इसकी परिक्रमा तो लगाते ही लगाते हैं, साथ में इसे सर पर रख के भी गरबा किया जाता है, तो उसकी क्या इम्पोर्टेंस रहती है? सर मैं ऐसे ही भी, मैं आपको बोला ना क्या, वो ऐसे भी घूमने से मतलब मैं आपको 108 बार की ब्रह्मांड की प्रतीक्षा ब्रह्मांड की किया हो, तो कुछ लोग ऐसा भी करते हैं कि भाई गरबे का माता जी का जो कुछ फोटो रहता है, का तो माता जी का गरबा एक दिन में का तो एक इतना घूमते रहते हैं, वो इतनी जितनी बार घूमेंगे उतनी उसकी प्रतीक्षा होती, उससे उसको पुण्य मिलेगा। बाजार में इस बार बहुत सारे डिजाइन के गरबे आपको देखने मिलेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो होल है वो कुछ इस प्रकार के हैं, और नीचे वाला भी आप देख सकते हैं अलग अलग, इसमें 27 होल होते हैं, और वो कैसे डिजाइन करते हैं वो तो कलाकार की सुंदरता है। और साथ ही आप ये देखिए, ये दरवाजे वाला गरबा है यहाँ पर, वैसे तो दिया इसको, जैसे ये गरबा है इसका ढक्कन खोल के यहाँ पर दिया रखा जाता है, लेकिन ये जो दरवाजे वाला गरबा है इसमें दरवाजा बनाया गया है खास माँ की आराधना के लिए, जो दिया प्रज्वलित किया जाता है उसके लिए। इस प्रकार मिट्टी का मटका नवरात्रि में माँ दुर्गा की पूजा के एक महत्वपूर्ण प्रतीक के रूप में देखा जाता है, जो न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी
अत्यधिक महत्व रखता है। तो ये है वडोदरा का सियाबाग कुम्हारवाड़ा, जहाँ पर महिलाएं इन गरबों को तैयार करती हैं और ये गरबे सजाए जाते हैं कि मार्केट में इन्हें खूबसूरती के साथ बेचा जा सके। और ये यहाँ पे दशकों से चलता आ रहा है ये काम, और ये इनकी परंपरा को भी संजोए हुए हैं।